नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। संवाद में आज हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ, बेंगलुरु से। फिलहाल राकेश रंजन जी कर्नाटक में हैं। तो पवन सिंह भोजपुरी स्टार और पावर स्टार कहा जाता है पवन सिंह को, तो आसनसोल से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि खुद शॉटगन हैं, उन्होंने खामोश कर दिया भाजपा प्रत्याशी को। और अब देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि शायद उनको कहीं अब वो टिकट ना मिले, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाजपा भी इस तरह की गलती फिर नहीं करेगी। पवन सिंह राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बात तो लंबे समय से हो रही। ठीक है, लोकप्रिय हैं, अब किस तरह के गाने गाते हैं नहीं गाते हैं उस पर भी बहुत विषय, चूंकि भोजपुरी में तो तरह तरह के गाने हैं और यहाँ बातें तो होती है कि भोजपुरी को जो है बहुत माने तरीके से क्या बोलते हैं उसकी महत्ता को कमतर किया जा रहा है, तमाम बातें हैं व्यवसाय के अश्लीलता कारण ज्यादा, लोग अश्लीलता को ज्यादा लालच बढ़ावा दिया में, जाता है। व्यवसाय व्यवसाय के लालच में, क्योंकि व्यावसायिकता के लवादा से उनको ढक दिया गया है। तो बातें यह भी हो रही थी कि भाजपा से भी दावेदार हैं, यह भी कहा जा रहा था कि उधर लालू जी की तरफ भी मिलना जुलना हो रहा है, उधर भी संपर्क बढ़ाए हुए। तो जो बातें थी चर्चा में उसमें कहा जा रहा था कि उनको आरा सीट से चुनाव लड़ना है और आरा पर दावेदारी कर रहे हैं। मीडिया में भी यह बात आने लगी थी कि वहां से जो आरके सिंह जो सांसद होते हैं उनका टिकट कट जाएगा, कुछ बातें। लेकिन खास करके जो मेरा अनुभव बता रहा था, जो बातें हो रही थी उसमें कहने को जो भी बातें हो जाए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो ईमानदारी से जो संभव होता है वो जो आरके सिंह वहां के लिए कर रहे थे वो कोई कम नहीं था। हाँ, आरके सिंह का अंतर यही था, जो एक जो विशुद्ध राजनेता होता है और चूंकि अफसरशाही नौकरशाही से आए हुए हैं राजनीति में, ये दोनों में फर्क यही था कि खड़ा पक्का है, ठीक है ना, मैंने किसी को जो कहना है साफ साफ कह देना है। तो यह बातें हो रही थी तो स्वाभाविक है उससे कुछ विरोध भी हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से सरकार में मोदी सरकार में भी वो महत्वपूर्ण काम कर रहे थे और तरह तरह का उनको महत्वपूर्ण काम दिया गया था, तो कहीं नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला। लेकिन बातें चल ही रही थी, इसी बीच जो भाजपा के पहले लिस्ट की घोषणा हुई और उसमें अचानक पवन सिंह का नाम आ गया। अब पवन सिंह से बात हो रही थी नहीं हो रही थी यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके का कुछ वीडियो वगैरह भी आया है, तमाम बातें हैं, तो पवन सिंह को कहीं इस बात का कहीं से गुमान नहीं था कि उनको आसनसोल से टिकट मिल जाएगा। कुछ है जो वीडियो से जो बातें सामने आ रही है उभर करके, चूंकि कहीं वो जिम वगैरह में थे, अचानक किसी ने कहा तो न्यूज देखने लगे तो अचानक पवन सिंह का नाम आ गया, वो खुशी से उछल पड़े, उनको बधाइयां मिली, उन्होंने धन्यवाद भी जताया प्रधानमंत्री का, भाजपा अध्यक्ष का। लेकिन फिर चूंकि उनकी उम्मीदवारी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि जब वहां से बाबुल सुप्रियो जो होते थे, 14 में भी सांसद थे, 19 में भी सांसद थे, मंत्री बने, बाद के दिनों में अप्रत्याशित रूप से छोड़ करके चले गए तृणमूल में, वहां चुनाव हुआ 22 में, वहां शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल ने उतारा और बड़ी अच्छी खासी जीत दर्ज की थी, अंतर से जीत दर्ज की थी, बिहार से आते हैं, बिहारी बाबू हैं, उनके खिलाफ एक बिहारी युवा को उतार करके। तो माना तो यह गया कि भाजपा ने बहुत सधी चाल चली है, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में भी अब तो ठीक है, बिहारी बाबू हैं तो उनका भी अब बहुत कुछ ऐसा रहा नहीं है उस हिसाब से, वो भी उनका भी अब ढलान पर है, तो युवा को दे दिए, लोकप्रिय है, सब कुछ बातें हैं हो रही थी। लेकिन अचानक कल होकर के फिर आ गया पवन सिंह का जो और है आप उनके तरफ देखेंगे कि से। पहले बिहारी बाबू ने कहा कि अरे मैं जानता नहीं हूं, मैं कोई है, कोई इस तरह से है, कोई कभी नाम नहीं सुना है। फिर बाद में कहते हैं हाँ, कोई गाना उना गाते हैं, इस तरह से मैं सुना है, मैं देखा कुछ भी नहीं है। अब बाद में जब इनकार कर दिया गया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया ये है, क्यों फैसला लिया गया, अच्छे इंसान है, अच्छे। एक कुछ समझ में नहीं आया कि बिहारी बाबू क्या कहना चाहते हैं नहीं शॉर्ट नहीं में। देखिए, बातें तो बहुत स्पष्ट है कि जब खुद से उम्मीदवारी वापस ले ली पवन सिंह ने, कहा कि हम व्यक्तिगत, हम तो आभारी हैं कि हमको टिकट मिला, इतना सम्मान मिला, लेकिन हम व्यक्तिगत कारण से वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। ठीक है, पवन सिंह कह रहे हैं राजनीति में होता है, आप देखे होइएगा कि अभी गौतम गंभीर दिल्ली से
उनको पता चल गया या भाजपा की ओर से संदेश दे दिया गया कि भैया आपको टिकट तो मिलने उलने नहीं जा रहा है, तब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। तो इज्जत इसी में है कि अपना तो कुछ क्या, गौतम गंभीर की ठीक है, अपना जो खेल प्रतिभा हो तमाम बात हो, राजनीति में तो उनका कोई वजूद नहीं था, भाजपा ने उनको हाथ माने हथेली पर बिठाए, आए जीत गए सब कुछ है। अगर आज के तारीख में भाजपा फैसला कर रही है कि उनको टिकट नहीं देंगे, तो फिर बगावत अगर करेंगे, बगावत की राह अपनाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो बहुत बहुत तरीके से वो अलग हो गए, पहले ही कह दिया घोषणा से पहले कि भैया अब हम नहीं लड़ना चाहते हैं, अब हम फिर खेल की दुनिया में जाएंगे, उधर देखेंगे कुछ। बहुत तरीके से संभल गए, ये आपको जयंत सिन्हा, उन्होंने घोषणा से पहले ही कह दिया कि भैया बहुत राजनीति हो गई, अब हम चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, अब हम जाते हैं वित्त के क्षेत्र में काम देखेंगे, तो क्या क्या एक पर्यावरण बहुत छोटा सुधारेंगे। जवाब कि वे शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ने के बहुत पहले ही मैदान में भी नहीं पवन सिंह उतरे, उनको खामोश कर दिया अपने लहजे में। देखिए खामोश ही परिस्थिति जन जो व्यवस्थाएं होती है उसमें खामोश हो गए पवन सिंह। हम यह नहीं मानेंगे कि उनको बिहारी बाबू ने खामोश कर दिया, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी थी, तो बहुत ऐसा स्थिति की बिहारी बाबू के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए काफी था, वो जहां से जीत क्या रहे। भविष्य में ये लोग सोच समझ के अब गाना उना गाएंगे कि ताकि राजनीतिक करियर में थोड़ा रास्ता बना रहे? देखिए राजनीति के करियर में तो अभी फिलहाल जो आया था बहुत सुनहरा अवसर, तो हाथ से निकलता दिख रहा है, अब फिर कल क्या होगा नहीं होगा बहुत मुश्किल है।